नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई अमर सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है K20 और K20 प्रो में स्काई स्क्रैपिंग का फीचर है, जिसमें आप स्काई को चेंज कर सकते हैं। वही सेम फीचर MIUI 11 के बाद अपडेट के बाद में पोको F1 में भी आ गया है। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको स्काई स्क्रैपिंग वाला फीचर कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम पहले चलते हैं गैलरी में, उसके बाद हम अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपने खींची है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हार्ट के इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है, जो कि एडिट का ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद आना है फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद देखिए एंड में आपको दिखाया जा रहा है स्काई, आपको स्काई पे क्लिक कर लेना है। स्काई के बाद देखिए यहाँ पे सनी वाला एक ऑप्शन है, सनी पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए मेरा स्काई चेंज हो गया है। और ओरिजिनल मोड आपको देखना है तो उस पर आप टैप करेंगे, देखिए ओरिजिनल हमारा ऐसा था और सनी वाला ऐसा हो गया है। अगर मैं क्लाउडी से करना चाहूँ तो क्लाउडी देखिए पूरा हो गया है चेंज, और अगर मैं रेनबो वाला मोड करना चाहूँ तो देखिए रेनबो मोड चेंज हो गया है। और आप ग्लो वाला करेंगे तो देखिए ग्लो मोड में आ गया है, और अगर डस्क मोड में करेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन पिक्चर आई है और बहुत अच्छी लग रही है ये चेंज करने के बाद। और सनसेट वाला करेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंटर दे रखा है इसे बढ़ाने घटाने के लिए, तो अभी ये 100% पे है, आप इसे थोड़ा और कम कर सकते हैं 73% पे, और कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, इसे जितना चाहें आप उतना कम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं इसे पूरा फुल कर देता हूँ, कितनी बेटर और डिटेलिंग के साथ अच्छी पिक्चर लग रही है यहाँ पे, और प्रॉपरली कोई भी इसमें कहीं भी लाइट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ के नहीं आ रहा है, कम होके नहीं आ रहा है, एकदम जैसे प्रॉपर हमारी फोटो आती है सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। तो जाइए दोस्तों इस फीचर का फ़ायदा उठा लीजिए और अपडेट कर लीजिए MIUI 11 में। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।